ठीक है, द पैटर्न ऑफ रियलिटी, बहुत ही बढ़िया है यूनस से, काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर। लाफ क्राइज, ठीक है, समबडी समटाइम्स बोथ लाफ एंड क्राइज, समबडी समटाइम्स लाफ एंड समबडी समटाइम्स क्राइज, लाफ क्राइज, वेन डायग्राम टाइप बनाया हुआ है, एवरीबडी ऑलवेज इधर लाफ्स और क्राइज, है ना, ये आपने किया हुआ है किताबों के अंदर, सेट थ्योरी के अंदर, ऑन एवरी ओकेजन अनलेस एवरीबडी लाफ्स समबडी क्राइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पढ़ते हैं भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेट्स गो। द पैटर्न ऑफ रियलिटी, रियलिटी के पैटर्न्स क्या है? सम हैव थॉट दैट लॉजिक विल वन डे बी कंप्लीटेड एंड इट्स प्रॉब्लम बी सॉल्व, नाउ वी नो इट्स एन एंडलेस टास्क। एक दिन तुम्हें लगेगा भाई सब लॉजिक पता चल चुका है, सब कुछ पता चल चुका है भाई, पर कुछ तो गड़बड़ है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स गो। टिमोथी विलियम इज अ विकसन प्रोफेसर आगे एट द लॉजिक ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, बहुत बढ़िया। हिज मेन रिसर्च इंटरेस्ट है फिलोसफिकल लॉजिक, फिलोसफी के पीछे भी लॉजिक होता है, हाँ। आगे एपिस्टेमोलॉजी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये नया टॉपिक है। एस्टिमोलॉजी होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो थ्योरी है, नॉलेज का जो ज्ञान है उसकी अंडरस्टैंडिंग को अपन बोलते हैं, उसकी मेथड क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसका स्कोप क्या है, जो एक जस्टिफाइड बिलीव है और लोगों के ओपिनियंस क्या क्या हैं। इट कुड बी ऑन एनी थिंग, इट कुड बी एनी पॉलिटिकल टॉपिक, इट कुड बी ऑन एनी थिंग, इट कुड बी ऑन इज़राइल वर्सेज पैलेस्टीन वॉर एक्सेट्रा, इट कुड बी ऑन एनी थिंग, इट कुड बी पॉलिटिकल एज वेल। तो जो लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग करनी है उसका स्कोप क्या है, वैलिड क्या है, मेथड, उसकी बात कर रहे हैं हम। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स आपको पता है बियॉन्ड द रीम ऑफ थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, समय क्या है, यू नो ह्यूमन बीइंग क्या है, स्पेस क्या है एक्सेट्रा, उसको हम बोलते हैं। मैं इसके पीछे रियलिटी काफ़ी जो कम हो, जो बेसिक साइंस अंडरस्टैंड ना कर पाए, उसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फिलोसफी ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज की फिलोसफी, बहुत बढ़िया। ये टिमोथी का हमने पहले भी एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है, डैशबोर्ड पढ़ा हुआ है, आगे देखते हैं। मारिया इज ईदर एट होम और इन ऑफिस, या वो घर पर ऑफिस, शी इज नॉट एट होम, वेर इज शी, ऑफ कोर्स शी इज इन ऑफिस। यू माइट वंडर व्हाई आई स्टार्ट विद सच एन अनपजलिंग पजल, इतना सिंपल सा पजल क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे बट इन सॉल्विंग इट यू ऑलरेडी यूज लॉजिक, तूने दिमाग लगाया, यू रीजंड करेक्टली फ्रॉम द प्रेमिसेस मारिया इज ईदर एट होम और इन द ऑफिस। कहता है यार तुमने करेक्ट किया, मारिया या तो होम पे है या तो ऑफिस में, शी इज नॉट एट होम, द कंक्लूजन मारिया इज इन ऑफिस, कहता है यहाँ पे नहीं है, बेसिक उसने पजल सॉल्व कर दी। आगे देखते हैं। दैट माइट नॉट सीम लाइक अ बिग डील बट समवन हु कुडंट मेक दैट मूव वुड बी इन ट्रबल। हाँ भाई सब तू पढ़ चुके हो, एवरीबडी इज मेड सेंस आउट ऑफ इट, राइट, होप यू आर नॉट इन ट्रबल। वी नीड लॉजिक टू पुट टुगेदर पीसेज ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स डिफरेंट सोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट देयर कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लगाना पड़ता है अपने को। आगे देखते हैं। बाय लिंकिंग टुगेदर मेनी स्टेप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग वी कैन सॉल्व मच हार्डर प्रॉब्लम्स देन इन मैथ, कहता है अगर हम लॉजिक लगाना शुरू करें तो बहुत ही बढ़िया बड़ी प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे अनदर एंगल ऑन द लॉजिक इज दैट अबाउट इनकंसिस्टेंसी, भाई कहानी में ट्विस्ट, कहता अगर कोई चीज़ इनकंसिस्टेंट हो जाए तो उसके अंदर भी ये अनदर एंगल आता है। इमेजिन समवन मेकिंग ऑल द थ्री स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट मारा भी हो, मारिया इज ईदर एट होम और इन द ऑफिस, शी इज नॉट एट होम, घर पे नहीं है, शी इज नॉट इन द ऑफिस, तीन स्टेटमेंट अबाउट द सेम पर्सन एट द सेम टाइम, हाँ दिमाग मत लगाओ कि मारिया दूसरी भी हो सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है, दो स्टेटमेंट तक जॉइंटली इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। मारिया घर पे भी है ऑफिस में भी है, वो घर पे भी नहीं है ऑफिस में भी नहीं है, ये वो कौन था, घटोत्कच था, कौन था वो बंदा जिसको हिरण्यकश्यप था ना, जिसको शायद श्राप मिला था, तुम श्राप नहीं वरदान मिला, तुम घर पे भी नहीं मरोगे, बाहर भी नहीं मरोगे, दरवाजे पे भी नहीं मरोगे, अंदर भी नहीं मरोगे, कौन था वो, है ना भाई। आगे देखते हैं। दे कांट बी ऑल टुगेदर, हाँ एनी विच वेज, हाँ हिरण्यकश्यप था ना, फिर उसको दरवाजे के बीच में, दिन में भी नहीं रात में भी, तो 12 बजे उसको मारा था, है ना, हिरण्यकश्यप, बिल्कुल। आगे आ जाओ। दो स्टेटमेंट इज जॉइंटली इनकंसिस्टेंट, दे कांट बी ट्रू ऑल टुगेदर, एनी टू ऑफ देम कैन बी ट्रू, कोई भी दो ट्रू हो सकती है, सिंपल, बट दे एक्सक्लूड द थर्ड वन। व्हेन वी स्पॉट एन इनकंसिस्टेंट समवन इज सेइंग, वी टेंड टू स्टॉप बिलीविंग दैट, अगर कोई बंदा इनकंसिस्टेंट हो जाए देन यू स्टॉप बिलीविंग इन द सेम। लॉजिक इज क्रूशियल फॉर एबिलिटी टू डिटेक्ट द इनकंसिस्टेंसी, इवन वी कांट एक्सप्लेन एग्जैक्टली वॉट इज गोइंग ऑन रॉन्ग, समझा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपको कोई गोल दे रहा है, मेरे को किसी ने बात बताई थी एक, कि अगर कोई बंदे का झूठ पकड़ना ना तो देखो वो कहीं गोल पोस्ट तो नहीं मूव कर रहा, अगर वो बंदा गोल पोस्ट मूव कर रहा है, कॉलेज के अंदर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या ऑफिस के अंदर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑफिस वाले कौन कौन, जिस टाइप इन ऑफिस 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 या वर्क वर्क वर्क, जो ऑफिस के अंदर हो आपको कोई चीज़ 20-15 तारीख तक डिलीवर करने वाले थे और 15 तारीख तक अगर आप हो नहीं पाया तो बंदा बोला नहीं सर मैं 17 तक दे दूंगा, सर पक्का पक्का 17 तक दे दूंगा, सर ये हो गया वो, नहीं सर मैं ना 20 तक दे दूँगा, अगर कोई बंदा गोल पोस्ट मूव कर रहा है कुछ तो झोला है वहाँ पे, तो दिस इज़ हाँ काफ़ी ऑफिस में है, काफ़ी लेफ्ट ऑफिस, बहुत बढ़िया। तो वो कहता है लॉजिक के अंदर अगर कंसिस्टेंसी हो तो गड़बड़ हो जाएगी, वॉट वॉट वेंट रॉन्ग, ऑफन इट इज मच डीपली हिडन दैट इन एग्जाम्पल स्पॉटिंग इनकंसिस्टेंसी व्हाट वाइट इज सेट कैन एबल अस विद वर्क दैट रिलेटिव इज कन्फ्यूज्ड,
कहता जो ये इनकन्सिस्टेंसी है ना वही अपने को काम पे आएगा. रिलेटिव कंफ्यूज है कि कोई पब्लिक फिगर झूठ बोल रही है. लॉजिक इज़ वन बेसिक चेक ऑन व्हाट पॉलिटिशियन सेज. आज पॉलिटिशियन ये बोलेगा कल पॉलिटिशियन वो बोलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्विक 5 सेकंड चेक. बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग कॉम्प्रेशन. आज रात को सोने के पहले पढ़ के सोएंगे? हाँ भाई ऑल गुड. आज रात को सोने के पहले पढ़ के सोएंगे? यस और नो? यस और नो? अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया. प्रॉमिस? बहुत बढ़िया. 3009 वर्ड. इट शुड टेक यू 39 मिनट्स.